हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं और लिरिशा को देखो, इसने पूरा शेफ आउटफिट पहना हुआ है, शेफ कैप, ग्लव्स एंड एप्रन। हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस, है ना? चलो हम बनाते हैं एग फ्राइड राइस। हम फ्राइड राइस बनाना जा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं सबको, ठीक है? ये है 1 कप राइस जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, जिसका पानी ड्रेन कर लिया है मैंने। ओके, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर भरा। दिस इज सॉल्ट, 2 अंडे हैं, और ये प्याज, ये है अनियन, 1 मीडियम साइज अनियन फाइनली चॉप्ड, ये थोड़े से कोरिएंडर पाउडर चॉप्ड, ये है 4 गार्लिक क्लोव्स चॉप्ड, 1 ड्राई रेड चिली और मैंने 2 तेज पत्ता लिया है। तेज पत्ता। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने राइस कुक किया था, इसमें मैं ना मैंने थोड़ा सा पहले नमक डाल दिया था, नमक डाल के फिर मैंने राइस कुक किया था। अब हम अपने ये जो 2 एग्स हैं यहाँ पे हम जो ये 2 एग्स हैं ये फोड़ेंगे यहाँ पे। एग्स फोड़ो निरीशा, ग्लव्स उतार दो आप। ग्लव्स, एग्स फोड़ो, अब ये भी एक फोड़ दो। मैं फोड़ी तो अन्य आने वाला है, मतलब तो मैं फोड़ू फोड़ू ये मैंने अन्य आता है। और इसको अब हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। मेरा हाथ बीट कर लो, कोई बात नहीं, बीट करो ऐसे ऐसे, फेटो फेटो, इसको अच्छे से फेटो। ऐसे फेटना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट मैं डालता हूँ, सॉल्ट थोड़ा, फिर सॉल्ट, सॉल्ट डाल के फिर इसको मिक्स कर लेंगे। पहले हम स्क्रैम्बल्ड एग बना लेंगे। ये अंडा है ना, जो एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, रिफाइंड ऑयल, उसमें मैंने डाला और हमें इसको हिलाना है। इसको एकदम बारीक वाला स्क्रैम्बल्ड एग नहीं बनाना है, मोटा मोटा वाला ही रखना है। अच्छा, आप हिलाओगे? हमने बना लिया है, अब इसको मैं उठा लूंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी तेल की और जरूरत है तो तेल डाल देना। मुझे लगा थोड़ा सा तेल और डालना पड़ेगा, तेल डाल देते हल्का सा। तेल गरम होने देना है, तेल गरम होते ही हमें ड्राई रेड चिली, तेज पत्ता डालना है। लेशा ग्लव्स पहन के आएगी।
और मैं अब डालूंगी गार्लिक, अभी गार्लिक जैसे हल्का फ्राई होना स्टार्ट करे मैं ये चॉप्ड अनियन डाल दूंगी। ये देखिए हमें अनियन ना स्वेटी रखना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये फ्राइड राइस है। तो ये जैसे ही स्वेटी हो जाए, यहाँ हल्का हल्का होने लगा है, हम ये राइस डाल देंगे, इसमें कुक्ड राइस जो है वो डाल देंगे। और जब हम कुक्ड राइस डालें तो प्लीज गैस को धीमी आंच पे ही रखिएगा। हाँ, सबसे धीमी आंच पे रखना है, नहीं तो सारा जल जाएगा। अब हम इसमें एक एक करके अपना सारे इंग्रेडिएंट डाल लेंगे। अब मैं डालूंगी मेरे लिए थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हमने राइस में ऑलरेडी सॉल्ट दिया हुआ है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मैं डालूं, डालो ब्लैक पेपर, नो ब्लैक पेपर, कोरिएंडर लीव्स, हाँ मैं डालूं, चलो तो चलो मैं डालूं, मैं डालना चाह रही थी, बोल डाल दिया हमने, आपने ही डाला। और ये है एग्स, मैंने नहीं डाला, आप एग्स डालो, एग्स और अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और सुनो, आपके पास ग्लव्स है ना, मुझे वो वाली ग्लव्स दे देना, तो मैं दोनों हाथ से पकड़ूंगी ना, तो मैं खेसरी भी ज्यादा। अब हम जो है गैस को हाई पे कर देंगे। अब इसे हाई पे कर देंगे और 2-3 मिनट तक इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमारा फ्राइड राइस काफी फ्राई हो गया है, जो एक हम डालते हैं वो जो गीलापन था वो डाल जा चुका है और एक फ्राइंग वो आ गया है। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल वाला तरीका बताया है क्योंकि अब विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो जो हमारे कई बार होते हैं कि चावल बच जाते हैं हमारे बॉइल्ड राइस, उनको ऐसे करके खाने में सिंपल तरीके से बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही क्विक और सिंपल तरीका है। अगर आप कोई वेजिटेरियन है तो अंडे की जगह आराम से कभी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, विंटर सीजन है बहुत वेजिटेबल्स मिलते हैं, नहीं तो सिर्फ प्याज के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये कुक हो गया है देखिए, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, अभी हम इसे सर्व करेंगे और खाएंगे। तो लीजिए दोस्तों ये तैयार है, देखिए अभी भी वेरी हॉट है, धुआं निकल रहा है आपको आई होप दिख रहा है। ये एक फ्राइड राइस, एक फ्राइड राइस बनाने के भी बहुत तरीके होते हैं, कोई भी फ्राइड राइस बनेगी। ये मैंने बहुत ही आसान क्विक वाला तरीका बताया है जो कि स्पेशली इस सीजन में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।